हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज। दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड की ताज़ा खबर देखने के लिए और कंपनी जैसे सहारा इंडिया परिवार या पल्स की ताज़ा खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी इसे कर दीजिए यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो। दोस्तों, 19 और 20 मई 2018 को क्या होने वाला है, आइए चलते हैं, हम बताते हैं इस वीडियो में, आइए चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं फिर से आपके लिए पीएसएल की ताज़ा न्यूज़ लेकर के आया हूँ। ये न्यूज है पीएसएल लिमिटेड वर्कर कल्याण समिति मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ से और साथ में है महेंद्र पाल दानगढ़ जी। और क्या होने वाला है इस बार पल्स निवेशकों के साथ और क्या अपील कर रहे हैं ये संगठन 19 और 20 मई 2018 को। इस संगठन की निवेशकों और एजेंटों के लिए बहुत बड़ी अपील है और इस बार आर पार की लड़ाई, पीएसएल का पैसा यानी कि पल्स का अपना पैसा लेने के लिए एक रणनीति तैयार करने वाले हैं। वो रणनीति क्या है और उसमें निवेशकों का और एजेंटों का क्या रोल होगा, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरी देखिए और साथ में ही हम आपको रविशंकर गौतम जी, महेंद्र पाल दानगढ़ जी और उनके साथ जो भी सहयोगी उन सभी का कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे और ये अपील कहाँ से शुरू होगी और क्या फ़ायदा होगा इससे निवेशकों का, तो हम आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और साथ में ये एक घंटे का निशान भी आपको दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक कीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी कोई हमारी नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं खबर की ओर। तो दोस्तों, आप ये पोस्टर देख ही रहे होंगे, 19-20 मई 2018 चलो मथुरा, एक अपील, पल्स निवेशकों की हुनकार, अब की बार पल्स पीड़ितों की सरकार। ये इस पोस्टर का अर्थ है कि 19 और 20 मई 2018 को मथुरा के अंदर पल्स निवेशकों और एजेंटों को बुलाया गया है। वे ही पल्स निवेशक या एजेंट जा सके हर ज़िले से, जो वाकई में चाहता है संगठन से जुड़ना और सार्थक कार्य करना चाहता है, संगठन के साथ मिलके लड़ना जानता है, किसी तरीके की कोई अपने आप को ये ना समझते हुए कि हाँ हमारा कुछ नुकसान हो रहा है पैसों का, कर्मठ एक निवेशक एजेंट को वहाँ पर बुलाया जा रहा है जो साथ दे सके इन संगठनों का और अपनी सलाह दे सके कि किस तरीके से पीएसएल का पैसा निकल सकता है और क्या करना चाहिए। ज़िले वाइज 4-5 बंदे बहुत हैं जो कर्मठ है, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एड्रेस क्या है वो भी हम बताएंगे। इसमें क्या लिखा है पहले हम आपको ये पढ़कर बता देते हैं। 19-20 मई 2018 चलो मथुरा, एक अपील, पल्स निवेशक की हुंकार, अब की बार पल्स पीड़ितों की सरकार। इसमें रविशंकर गौतम जी ने अपना नंबर भी दिया है और महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी ने भी अपना नंबर दिया है, वो नंबर हम बाद में बताएंगे, पहले पढ़कर बता देते हैं पूरा। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के सभी ईएम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बाकी प्रदेशों के ईएम और एजेंट व निवेशक साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप भी जुड़े और इस परेशानी की घड़ी में एकत्र होकर एकता का परिचय दें। और नीचे एड्रेस भी दिया है कि मथुरा में किस स्थान पर पहुंचना है, मानसी गंगा तट निकट बड़ा दान घाटी मंदिर गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश, ये एड्रेस भी है। और यदि आप फिर भी कांटेक्ट करना चाहते हैं महेंद्रपाल दानगढ़ जी से या रविशंकर गौतम जी से या इनके सहयोगियों से तो नंबर इस प्रकार है, हम आपको नंबर बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। रविशंकर गौतम जी का नंबर है 9012500022, ये रविशंकर गौतम जी का मोबाइल नंबर है। और महेंद्र सिंह दानगढ़ जी का मोबाइल नंबर है 9815183760।
जी हाँ, और अब इनके सहयोगी का नंबर हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कीजिए। अमित गर्ग जी है 7983471026। विकास त्रिपाठी जी का नंबर है 8177005060। रामदेव गौतम जी का नंबर है 8445998626। आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि मीटिंग किस समय से शुरू है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।